नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सब को आपके YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आप लोगों को समझाया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आप लोग बीच में आ गया हूं, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। चलिए प्यारे छात्रों, पिछली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के 7 क्वेश्चन को हल कराया था। आज मैं यहां से आगे आपको लेकर चल रहा हूं। तो यहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगी, वरना फिर अलजेब्रा बहुत बड़ा लेसन है, समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ये मेरी जो वीडियो चल रही है अलजेब्रा की, उसमें 9 सीरीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सबको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 हो तो इसका मान ज्ञात करें। देखिए, ये भी इस पर, ये भी इस पर, ये भी इस पर, हम समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें एक बात आपको मैंने ध्यान दिया था कि ऑल वेरिएबल को इक्वल मान लें, यानी a बराबर बी बराबर सी। जैसे आपने किया तो यहाँ a a a हो गया, हमारे पास 3 है, बराबर 3 दिया हुआ, 3 समाप्त हुआ, a बराबर क्या मिल गया 1। तो 1 का मान रख दीजिए तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1, 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगी 3। आंसर हमारा हो गया क्या 3। अब इसके पास चलते हैं तो ये भी वही चीज है। तो यहाँ पर अगर हम मान ले 3a बराबर 1 हो जाएगा, ये a बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रख दें तो 1/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, प्लस ये भी 3/1 हो जाएगा, प्लस ये भी 3/1 हो जाएगा। तो अगर ऐड करेंगे 3 3 6 3 9, इसका आंसर होगा, यहाँ पर है इसका आंसर, ठीक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया है, तो सबको मान लेंगे a बराबर b बराबर c बराबर d। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर a a a a 4a बराबर 1, a बराबर आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो है हमारे पास 1 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4, तो ये हो गया 5/4 गुने 5/4 गुने 5/4 गुने 5/4। इसको लिख सकते हैं 5/4 का पावर में 4। ये देखिए डी नंबर आंसर। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से हमारा क्वेश्चन हल हो रहा है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, तब तक मैं यहां से आगे जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। चलिए प्यारे छात्रों, मैं क्वेश्चन को यहां से आगे बढ़ाता हूं। अब आपके बीच में है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 10 क्वेश्चन तक आपके हो गए। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ये भी देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है। तो इसको क्या करेंगे, ले लेंगे a बाय 1 माइनस a। ठीक है, और ये 3 बार है तो गुना 3 कर देंगे, बराबर क्या लिखेंगे 1। तो जैसे 3 के 3 से गुना हो गया, ये हो गया 3a/1 माइनस a बराबर a, ये इधर गुना हो गया तो हमको मिला 3a। ठीक है, बराबर 1 माइनस a। जब इसको प्लस बनाएंगे तो इधर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। जब इसको उठा के इधर लाएंगे, ठीक है, इसको जब उठा के इधर लाएंगे, इसे नहीं तो रहने में दीजिए ना, क्या दिक्कत, इसको रहने दीजिए, आपका क्या है माइनस। इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4a बराबर 1, a बराबर हमको मिल गया 1/4। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दीजिए आप 1/1 माइनस 4, तो ये हो क्या जाएगा, इसको क्या कर देंगे गुना 3 बार है तो गुना 3 कर दीजिए, ये 3/4 आएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 गुने 3, ये 3 से 3 कट गया, 4 इसका आंसर हो गया। अब इसके पास चलते हैं, ये है देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है, PQ QR RP। तो सबको ऑल वेरिएबल को इक्वल कर देंगे P = Q = R। ठीक है, अब जब इसको लेंगे पी बना देंगे तो P² EV P² EV P², तो हमको मिल गया P² + P² + P² = 1। तो ये हो गया 3P² = 1।
तो पी स्क्वायर का मान हमको मिल गया 1/3। अब यहाँ पर चलते हैं, तो ऑल वेरिएबल इक्वल था तो क्यू की जगह पी ही रख देंगे, तो 1 प्लस पी स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा होता है ये 1/9, यही ना होगा। ऊपर पी स्क्वायर का तो वैल्यू है तो 1/3 हो जाएगा। नीचे आइए, अगर इसको जोड़ते हैं तो पी प्लस पी 2p यहाँ पर, और इसको भी पी प्लस पी ये 2p यहाँ पर, अगर गुना करिएगा तो होगा, आपस में गुना करिएगा तो 4p2, तो यहाँ पर 4 गुने ये हो जाएगा पी स्क्वायर का 1/3। अब देखिए 3 और 1 4/3 हो गया यहाँ पर, इसको भी गुना करेंगे तो 4 गुना चला गया ऊपर 3 कटेगा तो क्या होगा 1, इसका आंसर हो गया 1। तो देखिए ये सब सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए हैं, ठीक है। अब इससे आगे आने वाले क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं, तब तक मेरी वीडियो में आप बने रहें, ठीक है। इससे भी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। चलिए तो इसको तब तक नोट कर लें, मैं अगला क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए यहां से मैं अलजेब्रा के आगे आए हुए क्वेश्चन को देख रहा हूं, तो चलिए देखिए अब आपके बीच में 13 और 14, तो देखिए 13 14 क्या बोलता है, ठीक है। 13 नंबर है ये, ठीक है, तो ये भी देखिए सिमेट्रिक फॉर्म है, तो क्या करेंगे सबको इक्वल मान लेंगे, x बराबर y बराबर z, ठीक है। तो जैसे ही हमने माना तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स कितना एक्स हो गया 2x, जैसे इसको यहाँ से काट दिया x का वैल्यू हमको मिल गया क्या 2। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर आएंगे ये है 1/1 + 4x, इसको क्या करेंगे ये 3 बार है तो गुना कर देंगे 3 से। अब x बराबर 2 आ गया तो 4 × 8 हो रही क्या होगा, क्लियर है, तो हमको मिल गया 1/9 × 3, इससे इसको काट देंगे तो 3 बार कटेगा, हमको मिला 1/3, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के बीच में है, बिल्कुल गोरा गोरा है। देखिए यहाँ पर भी जैसे ये है वैसे ही ये है वैसे ही ये है, मतलब ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, तो क्या करेंगे सबको क्या करेंगे, ये जेड है तो जेड ही मान लेते हैं सबको, यानी एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो सबको जेड मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस ये भी जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ठीक है। अब ये हो गया क्या 2z² सॉरी यहाँ पर बराबर था ना 2z² बराबर जेड प्लस 1, जब इसको इधर ले आएंगे तो होगा 2z² माइनस जेड माइनस 1, ठीक है, क्वेश्चन यही ना है, हाँ क्वेश्चन तो यही। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्या होता है, ये हो गया आपके पास 2z² माइनस 2z प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, यही हो गई। अब हम यहाँ से 2z कॉमन ले लेते हैं, तो 2z अगर कॉमन ले लें ठीक है, तो यहाँ से आएगा z माइनस 2, क्लियर है। यहाँ पर ले लेंगे क्या भाई सॉरी 2z लिया है ना तो z माइनस 1 होगा, यहाँ पर अगर हम 1 ले लें तो यहाँ पर आएगा z माइनस 1, ठीक है। एक हो गया हमारे पास 2z प्लस 1 और एक हो गया z माइनस 1, एक जेड की वैल्यू हो गई 1/-1/2 और एक का वैल्यू हो गया 1, यही दोनों को पुट करके हमारा आंसर आएगा। तो हमसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा है एक्स वाई जेड कर देंगे, ठीक है, तो एक बार सबको इक्वल मान लिए तो एक बार एक रखेंगे तो क्या होगा 1 1 1 = 1, तो यहाँ भी 1 है ये माइनस 1 है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको बैठा के देखते हैं, ये हो गया -1/2 गुने -1/2 गुने -1/2, मतलब हो गया हमारे पास -1/8, तो 1 और -1/8 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दैट मीन्स हमारा ये आंसर है। तो देखिए इस टाइप के मैं सारी क्वेश्चन को आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप क्या करें ध्यान पूर्वक इतने क्वेश्चन को उतार लें, मैं इससे आगे आने वाले क्वेश्चन को फिर से आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और मेरी वीडियो में तब तक आप बने रहिए। चलिए प्यारे छात्रों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये भी देखिए एक जैसा है ना, तो ये भी क्या है सिमेट्री वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी ऑल वेरिएबल को क्या कर देंगे हम, मान लेंगे जीरो, सॉरी ऑल वेरिएबल को इक्वल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही हम इसमें देखिए कौन वेरिएबल वाई एक्स वाई जेड, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड हम जैसे ही लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्स एक्स ले लिए, तो ये हमारा ये कट के हो गया क्या जीरो, ये भी हो गया क्या जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो। तो आप एक चीज और जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान हो गया हमारे पास वन, इसका मान हो गया वन, और इसका भी मान क्या हो गया वन। तो अगर इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिल क्या आएगा वन। यहाँ पर चलिए ये भी देखिए एक जैसे, तो ये भी सिमेट्रिक फॉर्म है, तो इसको भी अगर ऑल वेरिएबल को इक्वल कर दें एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो ये होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स 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 क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इधर से आया क्या थ्री एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, जब इसको काट दीजिएगा तो मिलेगा यहाँ तो एक्स बचेगा, ये एक्स बराबर क्या मिल गया एक्स बराबर थ्री मिल गया। अब आइए यहाँ पर ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, नीचे आ जाइए तो एक्स एक्स क्या होगा टू एक्स, इसको भी कर दीजिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स। तो जब इसका मान बैठाइएगा तो ये होगा नौ, नौ तीन कितना हो गया ऊपर में बारह गुना तीन बटे, ये देखिए इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना सॉरी गुना कर दीजिएगा चार एक्स स्क्वायर आ जाएगा है ना, चार एक्स स्क्वायर यानी चार गुने तीन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है तीन का स्क्वायर करोगे कितना होगा तीन तीन नौ चार नौ छत्तीस बारह तीन छत्तीस कट के क्या आ गया वन, हमारा इसका भी आंसर क्या आ गया वन। तो देखिए दोस्तों मैं अलजेब्रा को आप लोग के लिए इतना आसान बना दे रहा हूं, तो बस मेरे लिए आपको एक चीज छोटी सी चीज करनी है कि मेरे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बस, और आने वाले वीडियो के इंतजार करें। तब तक आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप क्या करें जितने भी अलजेब्रा में मैंने क्वेश्चन बताया है सबको बार बार देखें समझें, और अपने क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन को खोजिए, जहां वो मिले उसको बनाइए। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं दिया हूं। चलिए खुश रहें स्वस्थ रहें पढ़ाई करते रहें, थैंक यू।